बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अपने परिवार के साथ मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित पेंस्टेंट में रहते हैं। समुद्र के किनारे बसे मन्नत के बाहर रोजाना हजारों लोग इस उम्मीद में पहुंचते हैं कि शायद घर के बाहर से उन्हें अपने पसंदीदा एक्टर शाहरुख की एक झलक देखने को मिल जाए। पिछले कई दशकों से शायद ही कोई ऐसा दिन गया होगा जब मन्नत के बाहर फैंस की भीड़ ना हो, लेकिन आज ये बंगला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सर्च ऑपरेशन के चलते सुर्खियों में है। इसी बीच आइए जानते हैं कैसा है सुख सुविधाओं से भरे मन्नत के अंदर का नजारा और कैसे शाहरुख ने इसे विला वेना से मन्नत बनाया। शाहरुख खान का बंगला मन्नत सालों पहले गुजराती मूल के पारसी परिवार से ताल्लुक रखने वाले कीकू गांधी का था, जो मुंबई के प्रतिष्ठित शिमॉल्ट आर्ट गैलरी के संस्थापक थे। सालों पहले शाहरुख कीकू के पड़ोसी हुआ करते थे। कीकू ने अपने घर का नाम विला वेना रखा था, जिसमें उस जमाने के कई एडवांस सुविधाएं थी। जब शाहरुख को पता चला कि उनके पड़ोसी अपना घर लीज पर देने की सोच रहे हैं, तो उन्होंने इस घर को खरीदने का प्रस्ताव सामने रख दिया। जब शाहरुख ने घर खरीदने का मन बनाया, तब वो यह बॉस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। कई मुश्किलों के बाद आखिरकार शाहरुख ने 2011 में ये घर 13,32,00,000 रुपए की कीमत देकर खरीद लिया। आज इस घर की मार्केट वैल्यू 350 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। शाहरुख खान ने अपनी पत्नी गोरी के लिए ये सपनों का घर खरीदा था। मुंबई के आर्किटेक्ट कैफ फकीर ने 6,000 वर्ग फीट के इस बंगले को रेनोवेट किया था। शाहरुख की पत्नी गोरी एक इंटीरियर डिजाइनर है। उन्होंने 1920 की रॉयल थीम पर अपने घर को अंदर से सजाया। इसे संवारने के लिए शाहरुख ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। विला वेना खरीदने के बाद शाहरुख इस बंगले का नाम जन्नत रखना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने घर का नाम मन्नत रख दिया। 6 मंजिला मन्नत में शाहरुख खान का परिवार महज 2 मंजिलों में ही रहता है। बाकी की मंजिलों को ऑफिस, प्राइवेट बार, प्राइवेट थिएटर, स्विमिंग पूल, गेस्ट रूम, जिम, लाइब्रेरी, प्ले एरिया और पार्किंग जैसी अन्य सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मन्नत में 5 लग्जरी बेडरूम, मल्टीपल लिविंग एरिया और डाइनिंग एरियाज हैं। शाहरुख के इस घर में एक खास जगह रिजर्व रखी गई है, जहां शाहरुख अपने करियर में मिले हर अवार्ड को सजा कर रखते हैं। इस बंगले का ढांचा 20वीं सदी के Grade 3 हेरिटेज का है, जो हर तरफ से खुलता है। आसमान की ओर, पीछे की ओर और किनारे की ओर मन्नत के हर फ्लोर से समुद्र का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।